नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कौन वो जरूरत नहीं है, जरूरत है आज का प्रोडक्ट। वैसे मेरा नाम भार्गव है और प्यार से लोग मुझे मायना कहते हैं। तो जो आज का प्रोडक्ट है वो है एक मोबाइल चार्जर, इस तरह का और इस तरह का। लेकिन ये मोबाइल चार्जर नहीं है। आप गेस कीजिए इसमें से कौन सा मोबाइल चार्जर है और कौन सा कैमरा है, क्या आप गेस कर सकते हैं? जी हाँ, ये वाला चार्जर नहीं, कैमरा है। तो आज का वीडियो इसी के ऊपर होने वाला है। तो देखने में ये एक मोबाइल चार्जर जैसा ही है, लेकिन असल में ये एक स्पाई कैमरा है। मेरे चैनल पे बहुत सारे लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे कि एक अच्छा सा स्पाई कैमरा का रिव्यू वीडियो लाइए। तो आज मैं आ गया एक स्पाई कैमरा के साथ, जो ये रहा। लेकिन पहले ही बोल देता हूँ कि इसका आप कोई भी गलत यूज मत करना। तो ये देखने में एकदम चार्जर जैसा ही है, लेकिन सामने यहाँ पे एक छोटा सा कैमरा है जो नज़र नहीं आता है, और ये फुल HD वीडियो रिकॉर्ड करता है। सिर्फ इसको आपको प्लग में लगाना है और वीडियो रिकॉर्डिंग चालू, और प्लग से निकालेंगे, कंप्यूटर पे लगाएंगे, आप देख सकते हैं। तो इसके अंदर माइक्रो SD कार्ड है, मैंने 32 GB का लगाया है, अप टू 128 GB आप लगा सकते हैं, और ये कंटिन्यूअस रिकॉर्डिंग करता रहेगा। साथ ही इसमें मौसम डिटेक्शन भी है, अगर आप वो एक्टिवेट कर देंगे तो इसके सामने अगर कोई आदमी आएगा तभी रिकॉर्ड होगा। और इसका दो वर्जन आता है, एक वाईफाई के साथ, एक बिना वाईफाई का। ये बिना वाईफाई का है, और जो वाईफाई का होता है उसमें आप लाइव प्रीव्यू अपने मोबाइल पे देख सकते हैं। तो उसको कहीं पे लगा के आइए और मोबाइल पे देख सकते हैं। तो ये जो बिना वाईफाई का स्पाई कैमरा है, इसका दाम है 1400 रुपीज, और ये एक मेड इन इंडिया प्रोडक्ट है। और इसका जो अपर वर्जन है जिसमें वाईफाई है, उसका दाम 1000 रुपीज ज्यादा है। तो आप अपने मर्जी से ले सकते हैं। तो उन दोनों को खरीदने का बेस्ट बाय लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं इसके बॉक्स पैकेजिंग को, आपको बॉक्स के साथ क्या क्या मिलेगा। तो ये रहा बॉक्स, और बॉक्स के नीचे यहाँ पे कस्टमर हेल्पलाइन नंबर दिया हुआ है, व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, और पीछे यहाँ पे मैन्युफैक्चरर लिखा हुआ है। ये बेंगलोर का कंपनी है, iFi टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड, और यहाँ पे आपको 1 ईयर का वारंटी मिलता है। यहाँ पे रजिस्टर करना पड़ेगा उनके वेबसाइट में, और यहाँ पे कस्टमर केयर नंबर, व्हाट्सएप नंबर वगैरह दिया हुआ है, और प्राइस लिखा हुआ है 4500, लेकिन इतना नहीं है, इसका प्राइस है 1400 के आसपास, और ये एक मेड इन इंडिया प्रोडक्ट है। और इस साइड में कुछ फीचर्स लिखा हुआ है, जैसे कि रियल टाइम लाइव वीडियो, वीडियो रिजोल्यूशन 1080p, 70 डिग्री लेंस है, सपोर्ट्स 128 GB SD कार्ड, जो साथ में नहीं मिलता है, अलग से लगाना पड़ेगा। तो चलिए इसको करते हैं अनबॉक्सिंग। तो अंदर पे एक पाउच मिला है, और उसके बाद ये हो गया चार्जिंग केबल, और यूजर मैनुअल, और शायद ये वारंटी कार्ड, और लास्ट में एक कैशबैक मिला है 100 रुपीज़ का। तो ये देखते हैं। हाँ, ये यूजर मैनुअल है, ये इंग्लिश पे भी है और हिंदी पे भी है। इसके बाद ये देखते हैं क्या है। ये उनके प्रोडक्ट का कैटलॉग है, अलग अलग प्रोडक्ट वो बनाते हैं, और इन प्रोडक्ट्स का भी मैं रिव्यू वीडियो जल्द ही लाऊंगा। तो चलिए देखते हैं पाउच में क्या है। तो पाउच के अंदर एक पॉलिथीन निकला और एक बैक कवर निकला। तो पॉलिथीन के अंदर है, तो ये देखिए, ये हो गया चार्जर कैमरा। ये देखिए, ये ऑन पोजिशन पे है, पता नहीं अभी ऑन हो गया होगा। तो इसके अंदर बैटरी भी है। तो सामने यहाँ पे देख सकते हैं, ये हो गया लेंस, ये USB इनपुट, यहाँ पे माइक्रो SD कार्ड लगाने का स्लॉट है, और यहाँ पे एक बटन है वो लूप रिकॉर्डिंग नहीं तो मोशन रिकॉर्डिंग करने के लिए। तो देखने में एकदम चार्जर जैसा ही है, मोबाइल चार्जर जैसा ही है। तो इसका जो सामने का ढक्कन है, ये रहा, तो ये हो गया इसका ढक्कन, जो ऐसे चला जाएगा। और जो केबल है साथ में मिला है, ये दोनों साइड से USB है। तो इसको आप कंप्यूटर पे लगा के इसका वीडियोस को देख सकते हैं। तो ये हो गया मोबाइल चार्जर स्पाई कैमरा, और मेरे पास एक ओरिजिनल चार्जर है। तो ये हो गया मोबाइल चार्जर, दोनों में इतना फ़र्क नहीं है, देखिए, लेकिन इसमें कैमरा नहीं है, इसमें कैमरा है। चलिए केबल को भी लगा देता हूँ। तो ये देखिए, अभी कौन बोलेगा कि ये कैमरा है। तो अभी मैं आपको ये यूज़ करके दिखाने वाला हूँ। तो अभी यहाँ पे मैं एक माइक्रो SD कार्ड लगाने वाला हूँ। ये हो गया माइक्रो SD कार्ड 32 GB का। तो यहाँ पे लगा देते हैं, इसको खोलना पड़ेगा ढक्कन को। तो ये देखिए, यहाँ पे ऐसे चला जाता है माइक्रो SD कार्ड। तो लग गया है माइक्रो SD कार्ड। इसको निकालने के लिए सिर्फ प्रेस करना है, निकल आता है, और लगाने के लिए फिर से पुश करना है, लग जाता है। तो अभी यहाँ पे देखिए एक बटन है, इसको लेफ्ट करेंगे तो L में जाएगा, और राइट करेंगे तो M में जाएगा। M मतलब मोशन डिटेक्शन रिकॉर्डिंग, और L मतलब कंटिन्यूअस रिकॉर्डिंग। अगर इसको आप M पे रखेंगे तो कैमरा के सामने अगर कोई हरकत होगा, कोई आएगा, तभी रिकॉर्ड करेगा, और L पे रखेंगे तो ये कंटिन्यूअस एनी टाइम रिकॉर्डिंग करता रहेगा। तो अभी फिलहाल L में है, चलिए अभी इस ढक्कन को लगा देते हैं। तो लगा दिया है, देखिए, अभी कौन बोलेगा कि ये कैमरा है और रिकॉर्ड कर सकता है। तो अभी इसको प्लग में लगाना है, और उसके बाद देखते हैं इसका सैंपल कैसा आता है। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि ये रिकॉर्डिंग कैसे करता है। आपको सिर्फ इसको स्विच बोर्ड में लगाना है और पावर को ऑन करना है। तो यहाँ पे एक लाइट जलेगा, देखिएगा, तो यहाँ पे लाइट जल रहा है, थोड़ा ब्लिंक हुआ ये वाला लाइट, उसके बाद ऑफ हो गया।
मतलब फिलहाल ये रिकॉर्डिंग कर रहा है और किसी को पता भी नहीं चल रहा है। तो अभी इसने रिकॉर्डिंग कर लिया है तो अभी इसको ऑफ कर देते हैं। तो अभी इसको निकाल लेंगे और इसके फुटेज को कंप्यूटर पे देखेंगे अभी। तो यहाँ पे मैंने यूएसबी लगा दिया है और दूसरा वाला जो यूएसबी पॉइंट है वो कंप्यूटर पे लगाना पड़ेगा। तो चलिए वो भी लगा लेते हैं। तो लगा लिया है। तो ये देखिए यहाँ पे फोल्डर ओपन हो गया है, तो इसको ओपन करना है। और यहाँ पे देखिए वीडियो फोल्डर है, तो इसके अंदर ये वीडियो फाइल मिल गया है। तो चलिए इसको वीएलसी प्लेयर में प्ले करके देख लेते हैं। तो ये हो गया रिकॉर्डिंग। तो अभी मैं आपको इसका ओरिजिनल फुटेज दिखा लेता हूँ। इसका भी बैटरी डाउन हो गया, चार्ज करना पड़ेगा। तो मोबाइल चार्जर लगा ही है तो मोबाइल चार्जर पर ही लगा देता हूँ। तो अभी चार्ज हो रहा है, बहुत अच्छा चार्जर है, लेकिन भरोसा नहीं आजकल जहाँ तहाँ कैमरा होता है। इसमें भी कैमरा हो सकता है, क्या पता, देख लेते हैं क्या कैमरा है क्या। नहीं, कैमरा नहीं है, चार्जर ही है। कौन सा फ़ोन चाहिए, छोटा फ़ोन चाहिए? वो मेरा लैपटॉप आ गया, देखा था कहीं पे मेरा लैपटॉप। तो मेरा मोबाइल चार्ज हो गया होगा, हाँ चार्ज हो गया। तो है ना, इस कैमरा का क्वालिटी बहुत ही जबरदस्त, इस प्राइस रेंज में इसका जो वीडियो क्वालिटी है बहुत ही अच्छा है। तो और एक बात मैं बता देता हूँ, आप इसको पावर बैंक से भी चला सकते हैं। तो मेरे पास एक पावर बैंक है, तो इसका जो दोनों साइड यूएसबी है यहाँ पे लगाना है और ये वीडियो रिकॉर्डिंग अभी चालू हो गया है। तो इसको ऐसे आप सीसीटीवी कैमरा भी यूज़ कर सकते हैं, प्लग में लगा के, नहीं तो पावर बैंक में लगा के आप इसको सीसीटीवी कैमरा जैसा भी यूज़ कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको आज का प्रोडक्ट अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और इस तरह का यूजफुल प्रोडक्ट्स का रिव्यूज़ देखते रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो जल्दी ही मिलते हैं एक दूसरे यूजफुल प्रोडक्ट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।